हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नोट मेकिंग क्लासेस। आज हम प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का सेकंड यूनिट थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का सेक्शन 2.1 पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे नोट बनाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइगेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस हैं, क्यों पाइगेट की थ्योरी को इतना एम्फोसिस मिलता है, क्या क्वेश्चन आते हैं बीएड में इससे रिलेटेड, उसके साथ एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन इस टॉपिक में क्या है। Let's get started. इस टॉपिक से जनरली बीएड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइक एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पर इसके साथ साथ कभी कभी आपका आ सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ पाइगेट डेवलपमेंट का एक्सप्लेन करना, लाइक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो, उसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है। इसके बारे में फ्रेंड्स हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो बीएड के लिए इम्पोर्टेंट है ही, पर उसके साथ आपका जब आपकी थर्ड सेमेस्टर में आप कोई भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम देंगे, टीचर्स एलिजिबिलिटी एंट्रेंस देंगे या नेशनल लेवल देंगे जैसे सीटेट होता है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल ऑलमोस्ट इस टॉपिक से एक आधे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन के इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। कोई भी ऐसा चीज है जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके साथ फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जाने से पहले थोड़ा जानते हैं इसकी हिस्ट्री, ताकि हमें पता चलेगा कि पाइगेट एक्चुअली उनके डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो क्यों इतनी फेमस बनी। पाइगेट की कॉग्निटिव थ्योरी से पहले साइकोलॉजिस्ट और लोगों का मानना था कि जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड वाज ट्रीटेड अ स्मॉलर वर्जन ऑफ एडल्ट, यानी जो बच्चे होते हैं वो बड़ों का एक छोटा वर्जन होते हैं, यानी उनकी जो सोचने की क्षमता होती है, उनके जो सोचने का तरीका होता है वो बड़ों के समान ही होता है पर एक छोटे वर्जन में होता है। यानी इस तरह आप लें, अगर एक बड़ा आदमी एक दिन में 10 बातें सीख सकता है तो एक छोटा बच्चा एक बात सीखेगा एक दिन में, पर तरीका सीखने का एग्जैक्टली वही होगा जो बड़े आदमी का है। पर पाइगेट ने पहली बार ये चीज बताई कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बड़े जिस तरह कोई बात सीखते हैं छोटे उससे बिल्कुल अलग तरीके से वो बात सीखते हैं, यानी चाइल्ड थिंक्स इन अ डिफरेंट वे देन एडल्ट। बच्चा हो सकता है एक बात सीख रहा है, हो सकता है चार बात सीख रहा है, पर वो जिस तरीके से सीखता है वो बड़ों से अलग होता है। तो उनका जो थ्योरी था वो ये था, पाइगेट का मानना था कि बच्चे बिल्कुल अलग तरीके से बड़ों से सोचते हैं। उनका कहना था कि बच्चे पहले जब किसी भी टॉपिक पर उनको कोई भी नॉलेज मिलती है वो पहले उसका एक स्कीम बनाते हैं। फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जांपल से समझे तो बेटर समझ पाएंगे। आप ये समझिए कि एक बच्चा क्या करता है, उसे एक डॉग का पिक्चर मिलता है, तो डॉग को देखकर उसने एक धारणा बनाई, एक स्कीम बनाया, यानी अपने दिमाग में उसका एक ओवरव्यू बनाया कि वो दिखता कैसे है, यानी उसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, तो वो डॉग है। अब ये जो स्कीम है वो उसके दिमाग में है। अब जब रियल लाइफ में वो एक डॉग को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये डॉग है, उसके चार पैर है, एक पूंछ है, तो ये डॉग है। पर जब डॉग बात करता है तब ये बात उसे नहीं पता होती पहले से, तो तब क्या होता है, बच्चे का जो स्कीम उसने धारणा जो बनाई होती है वो इन इक्विलिब्रियम में चली जाती है। फिर उसको क्या करता है, वो या तो अपने पेरेंट्स से लेकर कंफर्म करेगा या अपने टीचर से पूछेगा, और ये जो इनइक्विलिब्रियम में फिर वो पूछने के बाद जब उसे पता चलता है नहीं नहीं डॉग बात भी करते हैं और ये डॉग ही है, तो ये जो नई फीचर होती है वो जाके स्कीम में ज्वाइन हो जाते हैं, उससे हम एसिमिलेशन कहते हैं। यानी एसिमिलेशन में बच्चे के पास अभी क्या हुआ, जो इनिशियली जो स्कीम उसके दिमाग में थी, यानी डॉग के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, उसमें एक नई चीज जुड़ गई, वो है एसिमिलेशन, यानी डॉग बात भी करता है। अब उसके पास तीन चीजें हैं उसके स्कीम में। पर अभी बात आती है अगर वो एक नए कैट को देखता है, वो कैट को देखा, कैट को देखने के बाद उसके भी चार पैर हैं, एक पूंछ है, पर उसका पिक्चर से मिलता नहीं है, उसके साथ ये बात भी नहीं करता, तब क्या होता है, वो फिर से उसका जो स्कीम है वो इन इक्विलिब्रियम में चला जाता है, और वो उसके बाद क्या करता है, अपने पेरेंट्स से पूछेगा या टीचर से पूछेगा, और फिर उसे पता चलता है नहीं ये डॉग नहीं है ये कैट है, तो एक नया स्कीम उसका बनता है कैट को लेकर, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन, यानी पहले से जो बनाया हुआ है उसे चेंज किया जाता है, उसके साथ एक नया बनता है एकोमोडेशन, और इन सारी प्रोसेस में वो अपने को एक इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। इन इक्विलिब्रियम मतलब जो धारणा उसने बनाई होती है
वही धारणे में सेट होने की कोशिश करता है कि मेरे जो सोचने का सोचा है मैंने, जिस टॉपिक को लेकर मैंने जो सोचा है वो सही है। अगर वो चीज उसके जो स्कीम है, जो उसकी धारणा है, उसमें नहीं मिलती तो वो इनइक्विलिब्रियम में चला जाता है, और उसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है, अपनी स्कीम को मॉडिफाई भी करता है, एक नई स्कीम बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका है बच्चों के सोचने का, इसको पाइगेट ने पहली बार बताया और बोला कि बड़े इस तरह नहीं सोचते, इस तरह केवल छोटे सोचते हैं, और इनकी वजह से ये टॉपिक पाइगेट की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि बच्चों की सोचने और अंडरस्टैंडिंग के तरीके पर। चलिए हम उनके अब डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं। ये जो प्रोसेस है स्कीम, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये आप बाद के सेमेस्टर्स में बहुत डिटेल में पाएंगे। इस सेमेस्टर में आपका जो टॉपिक पे एम्फेसिस किया दिया गया है वो है स्टेजेस ऑफ पाइगेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो हम उस टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जैसे एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले आप इंट्रोडक्शन में पाइगेट के बारे में कुछ लिखिएगा। जेन पाइगेट वॉज अ बायोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशन थे और बायोलॉजिस्ट थे। वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, तो स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता था उन्हें। ही वॉज बॉर्न इन स्विट्जरलैंड। He is known for his work on child development. उनका जो पूरा करियर रिसर्च का था वो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट था, और उन्हीं के से वो बहुत फेमस हुए थे। His theory on cognitive development, यानी सोचने की तरीके of child and epistemology view, यानी epistemology यानी किसी नॉलेज को गेन करने का तरीका, are known as generic epistemology. यानी उनका जो complete रिसर्च पेपर था बच्चों के इंटेलिजेंस पर और उनके नॉलेज गेन पर, उनको जो नाम उन्होंने दिया था वो था जेनेरिक एपिस्टेमोलॉजी। उसके साथ इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट ग्रोज एंड डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस, ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है करिकुलम डेवलपमेंट में बच्चों के लिए, कि इंटेलिजेंस बाय बर्थ नहीं होता, और इंटेलिजेंस जो होता है वो कंप्लीट एक 100% फॉर्म में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे एक सीरीज ऑफ चेंजेस से ग्रो करता है। उसके साथ उनका मानना था कि चाइल्ड आर नॉट लेस इंटेलिजेंट बट थिंक डिफरेंटली, बच्चे सोचते अलग तरीके से हैं, इंटेलिजेंट कम नहीं होता, इंटेलिजेंस उनका बिल्कुल कम नहीं होता, बट उनके सोचने का तरीका अलग होता है। और जो चार स्टेजेस उन्होंने बताए थे बच्चों की डेवलपमेंट में, वो थे फर्स्ट इज सेंसरी मोटर एक्टिविटी, जो बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है, उसे हम इन्फेंसी स्टेज में लेते हैं। सेकंड जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो 2 से 7 साल तक होता है, इसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है, पर उनका जो नाम दिया था उन्होंने वो था प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से लेकर 12 ईयर्स तक होता है, और ये लेट चाइल्डहुड को रिलेट करता है, और उसके बाद 12 साल के ऑनवर्ड जो स्टेज होता है उसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। सेंसरी मोटर एक्टिविटी जो बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है, उसके जो फीचर्स हैं वो है इनफैक्ट एक्शन आर नॉट इंटेंशनलाइज्ड विद हिज थॉट्स, यानी जो बच्चा होता है जो सोचता है और जो करता है वो दोनों इंटरलिंक नहीं होते, यानी कुछ काम वो करता है बिना सोचते भी। तो ये उनका पहला मानना था कि बर्थ से लेकर 2 साल तक बच्चे एज सच अपना काम करते हैं बिना सोचकर। सेकंड चीज उन्होंने बताई कि इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसरी मोटर एक्टिविटी, मूवमेंट एंड सेंसेशन, यानी बच्चे पूरी अपनी सराउंडिंग को जो जानते हैं वो अपने सेंसरी मोटर एक्टिविटी से जानते हैं। और सेंसरी मोटर एक्टिविटी क्या होता है, उनका मूवना या किसी चीज को छूना, किसी चीज को मुंह में डालना, पकड़ना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे वो अपनी सराउंडिंग को पहचानते हैं। इन्फेंट परफॉर्म देयर सेंसरी मोटर एक्टिविटी लाइक सकिंग, मूविंग एंड होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। तो अपनी जो सेंसरी मोटर एक्टिविटी है, मोटर मतलब जिस जो मसल रिलेटेड एक्टिविटी होती है, सेंसरी हमने किसी चीज को सेंस करना, सो सेंसरी मोटर एक्टिविटी जो उनकी होती है वो किसी चीज को मुंह में डालने से हो सकती है, मूव करने से हो सकती है, पकड़ने से हो सकती है। चिल्ड्रेन इंटेलिजेंस लेवल इज इक्वल टू दैट ऑफ इंटेलिजेंट एनिमल, और यहाँ बर्थ से लेकर 2 साल तक यानी इन्फेंसी में जो सेंसरी मोटर एक्टिविटी स्टेज होता है उसमें बच्चों की जो इंटेलिजेंस होती है वो एक इंटेलिजेंट एनिमल की तरह होती है।
उसके साथ ये स्टेज में जो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है परमानेंट एग्जिस्टेंस, यानी इन्फेंट डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इवन इफ यू कांट सी देम। यानी पहले बच्चे का जब 8 महीने तक बच्चे को अगर कोई चीज उसके सामने नहीं है तो उसका मानना है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर 8 महीने के बाद से लेकर 2 साल तक वो ये उसकी डेवलपमेंट आ जाती है सोचने की कि अगर कोई चीज उसके सामने नहीं भी है तब भी वो एग्जिस्ट कर सकती है। अगर उसने अभी एक स्पून यहाँ रखा है और वो कुछ देर उधर चला गया तब भी वो जानता है कि वो चीज है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेंसोरी मोटर एक्टिविटी स्टेज की। अब हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से लेकर 7 साल तक होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है। पाइनेट का मानना था कि चाइल्ड इन्वेंट सॉल्यूशन रादर देन ट्रायल एंड एरर, यानी जो पहले हमने देखा सेंसोरी मोटर एक्टिविटी जो स्टेज था उसमें बच्चे अपना सारा जो प्रोसेस होता है वो ट्रायल एंड एरर से ही करते हैं, यानी किसी चीज को पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, कीप्स ऑन ट्राइंग। जितना वो ट्राई करेंगे उतना ही वो जानेंगे उस चीज के बारे में, पर इस स्टेज में बच्चे अपने आप किसी चीज को सॉल्व करने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं और वो ट्रायल और एरर मेथड पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। उनका मानना था द चाइल्ड प्रोस्पेक्टिव इज एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव। एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव इसका मतलब यह है कि किसी चीज को उसको लेकर ये बड़ा है, उसको लेकर ये छोटा है, इस तरह उसकी धारणा नहीं होती। वो लिविंग नहीं है तो ये लिविंग है, उस तरह धारणा नहीं होती, बल्कि एब्सोल्यूट उत्तर ये लिविंग है तो लिविंग है, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग है, अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा है। तो ये रिलेटिव नहीं होता, किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, पर जो चीज होती है वो एब्सोल्यूट, हाँ यही चीज है। तो उनका धारणा जो अर्ली चाइल्डहुड में होता है वो एब्सोल्यूट थिंकिंग होता है। उसके साथ चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म का मतलब है हिज प्रोस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इज ऑल दैट मैटर्स टू, यानी वो बहुत इगोइस्टिक उस वक्त होते हैं और बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी उनकी दुनिया बस उनकी दुनिया, उनसे जो रिलेटेड है वही दुनिया है, उनसे बाहर जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो दुनिया है ही नहीं। ही फेल्स टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों की सोच को समझने की क्षमता बच्चों में यहाँ नहीं होती। बच्चे बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड टाइप के होते हैं इस स्टेज में। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फीचर और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस स्टेज की है वो है एनिमिज्म। इसका होता है चाइल्ड बिटवीन 4 इयर्स टू 6 इयर्स डेवलप एवरीथिंग बिलीव्स एवरीथिंग टू बी अलाइव अनलेस इट इज ब्रोकन, यानी 4 साल से 6 साल का बच्चा हर चीज को लिविंग समझ लेता है जब तक वो टूटे ना, और 7 साल का बच्चा हर चीज को लिविंग समझता है जो चलता है, 8 साल का बच्चा हर चीज को लिविंग समझता है जो खुद ब खुद चलता है। उसके साथ चाइल्ड इन लेटर चाइल्डहुड यानी लेटर चाइल्डहुड में आप 12 साल तक लेंगे, 7 साल से 12 साल लेट चाइल्डहुड जो समझ रहे हैं यहाँ, दैट थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू बी अलाइव। तो आप कह सकते हैं कि 12 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की जो लिविंग कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाती है और वो समझते हैं सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही जिंदा रहते हैं, अलाइव हैं, और उनको छोड़कर बाकी सारी चीजें डेड हैं, लाइफलेस हैं। जो थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो लेट चाइल्डहुड का है, वो है 7 से 12 इयर्स। उसकी जो प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, जो कहता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज वेट लेंथ एंड नंबर। यानी इस स्टेज में बच्चों को किसी चीज की हाइट लेंथ और वेट का पता चलता है और इसकी वजह से यहाँ बच्चों का कैलकुलेशन शुरू होता है, जिसकी वजह से आप करिकुलम में देखेंगे कि 7 साल ऑनवर्ड्स यानी सेकेंड क्लास ऑनवर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स बच्चों को टाइम सिखाते हैं, लेंथ सिखाते हैं और उनका वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है इस स्टेज के अनुसार। बिकॉज ये पाइलेट की थ्योरी थी कि इस स्टेज में ही बच्चे वेट लेंथ और नंबर्स के बारे में समझना शुरू करते हैं। जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज की वो है डाइल्यूशन ऑफ इगोसेंट्रिज्म। हमने पढ़ा कि इसके पहले वाले चैप्टर में कि वो बहुत इगोसेंट्रिक होते हैं, यानी जो उनका है उनके चारों तरफ है वही दुनिया है, उसको छोड़कर नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, पर वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ डाइल्यूट हो जाता है।
डैड्यूट मतलब वो और एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, वो सबके बारे में सोचना शुरू करता है। चाइल्ड अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपेयर विथ हिज ओन, देन टेक डिसीजन। और इस जगह में क्या होता है, बच्चे दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू समझना शुरू कर देते हैं और उसको भी अपने डिसीजन में मिलाते हैं, और जिसकी वजह से ये एक नई कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है बच्चों की, वो है टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन आर डेवलप। तो इस स्टेज में बच्चे एक दूसरे की बात को समझना और टीम स्पिरिट, मिलके काम करना, शेयरिंग करना उनका डेवलप होता है। जो फोर्थ स्टेज होता है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 12 इयर्स ऑनवर्ड होता है। इसमें क्या होता है, एडोलेसेंट लर्न बाय मिस्टेक। यहाँ क्या होता है, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। एडोलेसेंट डेवलप द एबिलिटी ऑफ थिंक एंड लॉजिकली सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ उनकी सोच और सोचने की क्षमता लॉजिकल हो जाती है, अगर लॉजिकल मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग आ जाती है उनकी। उसके साथ ट्रायल एंड एरर मेथड इज रिड्यूस। यहाँ वो ट्रायल और एरर मेथड नहीं यूज करते, हर चीज करने से पहले सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, दूसरों के डिसीजन लेते हैं, उसके बाद वो सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। उसके साथ रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी यहाँ एक इससे पहले मतलब 12 साल से पहले बच्चों का एक जनरल ओवरव्यू होता है किसी एक चीज को लेकर, कि प्लान्स को लेकर जनरल ओवरव्यू होता है, पर धीरे धीरे वो स्पेसिफिक हो जाता है। यानी इस करिकुलम में भी आप देखेंगे कि बच्चे ईवीएस जो पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे 12 साल तो 6-6 क्लास ऑनवर्ड उनके सब्जेक्ट डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट डिवाइड होकर बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हो जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की ओर जाता है, और ये डायरेक्टली करिकुलम को भी हमारा रिफ्लेक्ट करता है। पैगेट की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हमारे करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती है। और उनका जो मानना था कि जनरल टू स्पेसिफिक जाता है तो 12 साल ऑनवर्ड, तो यही चीज हम अपने करिकुलम में भी देखते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पैगेट थ्योरी, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप जरूर ऐड कीजिएगा किसी भी, अगर शॉर्ट नोट आता है, लॉन्ग नोट आता है, किसी में भी इसे जरूर ऐड कीजिएगा। और इसके बारे में मैंने आपको हर स्टेज में बताया है कि किस तरह हमारे करिकुलम इन्फ्लुएंस्ड है पैगेट की थ्योरी से। पहले वाला जो आप लिखेंगे वो है प्रोवाइड वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। पैगेट का मानना था कि इंटेलिजेंस एक सीरीज ऑफ चेंजेस है और उसके लिए बच्चों को एक्सपीरियंस देना चाहिए। डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस अगर बच्चे पाएंगे तभी जाके उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और उनका इंटेलिजेंस डेवलप होगा। और इसकी वजह से हमारी जो करिकुलम होती है वो बच्चों को इस तरह डिजाइन की गई है कि उन्हें वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस मिले। जो सेकंड टॉपिक है जिनको उन्होंने बहुत एम्फोसिस दिया था वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब तक बच्चा अपनी सोच को जाहिर नहीं कर पाता, दूसरों की सोच समझ नहीं पाता, अपनी आइडियाज को शेयर नहीं कर पाता, तब तक उसका इंटेलिजेंस डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनका बहुत एम्फोसिस था लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, और यही चीज हम करिकुलम में भी पाते हैं। जो थर्ड उन्होंने एम्फोसिस दिया था वो है थिंकिंग एंड रीजनिंग। थिंकिंग और रीजनिंग बहुत लिंक्ड होते हैं इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में। अगर बच्चे की हम जो करिकुलम बनाते हैं उसमें उसकी थिंकिंग प्रोसेस एनहांस होती है, उसकी रीजनिंग प्रोसेस एनहांस होती है, उससे उसकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होगी। आजकल बच्चों का एग्जाम जो हो रहा है वो होता है ओपन बुक टेस्ट। आजकल एक न्यू फॉर्मेट आया है जो है वो आप बच्चों को बुक्स देते हैं एग्जाम के टाइम में, बच्चे बुक्स लेके जाके एग्जाम देते हैं। और इसका ये है डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कि बच्चे एक्चुअली किसी चीज को कंप्लीट मगअप नहीं करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे, बल्कि अंडरस्टैंड करके लिखेंगे। उसकी वजह से ये एम्फोसिस दिया जाता है और थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो लास्ट है वो है एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी सोचने की क्षमता को किस तरह बढ़ाया जाए जिसकी वजह से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, और उसके लिए करिकुलम में उनका डिबेट में पार्टिसिपेट करना या किसी एक्सटेम्पो में पार्टिसिपेट करना, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, इसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फ्रेंड्स ये बात हुई पैगेट की थ्योरीज की। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ समझ में नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।